नियमित रूप से 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पिए। हीट स्ट्रोक हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर 104 से ज्यादा हो। ऐसी जगह ना जाएं जहां पर को ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हॉट एनवायरनमेंट है। जब भी टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा होता है, काफी सारी बीमारियां हैं जो कि गर्मी की वजह से होती हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग, जो मजदूर गर्मी में काम करते हैं, उनको काफी ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस गर्मी के मौसम में हमको क्या क्या एहतियात बरतने चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी .com में। थैंक यू। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग गर्मी में काम करते हैं, जैसे कि मजदूर हो गए, और जो लोग यातायात करते हैं गर्मी में, उनको काफी आजकल बीमारियां हो रही हैं, वो काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो गर्मी में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर मैं आपसे यही सवाल। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि गर्मी की वजह से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते से टेम्परेचर 47-48 से भी ज्यादा है, इवन 50 डिग्री को टच कर रहा है। जब भी टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा होता है, काफी सारी बीमारियां हैं जो कि गर्मी की वजह से होती हैं। हमने देखा है कि जब एक्सट्रीम हॉट होता है, लू होती है, या हीट स्ट्रोक होता है, सनबर्न होता है, तो उससे काफी सारा जो पेशेंट्स हैं वो ओपीडी में, इमरजेंसी में आते हैं। पिछले 2-3 दिन में हमारे पास 3 पेशेंट हीट स्ट्रोक को लेके आए, जिनको की बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। हीट स्ट्रोक क्या होता है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। हीट स्ट्रोक हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर 104 से ज्यादा हो और बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर या हीट वेव की वजह से शरीर में पानी की कमी हो, स्किन जो है वो ड्राई और हॉट हो, इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है फीवर की वजह से, जैसे कि ब्रेन में उसके चेंजेस आ सकते हैं, किडनी में उसका नुकसान हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, सिर में तेज दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, और कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। तो ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है। हीट स्ट्रोक के अतिरिक्त दूसरी बीमारियां भी हैं जो कि हाई टेम्परेचर या असामान्य टेम्परेचर होता है, या टेम्परेचर जब भी 5 डिग्री का से ज्यादा का वेरिएशन होता है, तो काफी लोगों को उल्टी दस्त लग सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ लोगों को हीट एलर्जी हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह की सब बीमारियां जब भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये सब देखने को मिलती है। सर वही मेरा आपसे सवाल है कि देखिए गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, तो हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, यही मेरा सवाल है आपसे। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बचाव के लिए क्या करें। सामान्यतः हमने देखा होगा कि ये हीट स्ट्रोक तभी होता है जब आउटडोर एक्टिविटी में लोग रहते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, जैसे कि मजदूर हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि बहुत तेज धूप में काम ना करें, और नियमित रूप से 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पिएं, और पानी के साथ साथ तरल पदार्थ, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि लस्सी है, नींबू का पानी है, कोकोनट वाटर है। ये सारे तरल पदार्थ आपको हीट स्ट्रोक से बचाते हैं, और नियमित रूप से तरल पदार्थ हर आधे घंटे में, एक घंटे में पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। सर इस गर्मी के मौसम में लोगों को डिहाइड्रेशन से काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या क्या चीजें खा सकते हैं, या हम क्या क्या एहतियात बरतते हैं जिससे हमको डिहाइड्रेशन का सामना न करना पड़े। ज्यादातर डिहाइड्रेशन तब होता है जब हमें उल्टी और दस्त की शिकायत होती है और पानी की कमी हो जाती है शरीर में, उसकी वजह से काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए अगेन आपको पानी की जो मात्रा है वो 4 से 5 लीटर जैसे कि मैंने बताया वो लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो कपड़े हैं वो कपड़े ऐसे पहने कि जो लूज हों, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने तो उससे पसीना आपका नहीं निकलेगा और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लूज कपड़े पहने, ऐसी जगह ना जाएं जहां पर को ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हॉट एनवायरनमेंट है, और आउटडोर एक्टिविटी है, जैसे बच्चे और बूढ़ों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो बच्चों को धूप में खेलने से मना करना चाहिए, बचाना चाहिए।
सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरह से आपने बताया कि अपने आप को हमको कैसे हाइड्रेट रखना चाहिए, कुछ ऐसे आप फूड्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि हम क्या क्या खा सकते हैं, गर्मी में ज्यादा क्या खाना चाहिए हमको जिससे हम हाइड्रेट रहें और ज्यादा गर्मी का जोखिम ना बढ़े हमारी बॉडी में। देखिए, ताजा फल खाएं, नंबर वन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ताजा फल खाएं, और हम जो भी लिक्विड हैं, सूप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हम ज्यादा यूज करें। और बड़े आसानी से लस्सी उपलब्ध होती है, यदि हम लस्सी या हम तरल पदार्थ लेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हमने ये भी देखा है कि यदि आप ऐसे फूड आइटम का सेवन करते हैं जिससे कि खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि आपने पनीर खाया तो पनीर से उल्टी दस्त के चांस ज्यादा होते हैं। तो बहुत ज्यादा जब हीट होती है तो मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर के प्रोडक्ट्स, इनका सेवन ना करें। और यदि आप बहुत आवश्यक है पनीर का उपयोग करना तो आप उसको फ्रिज में जरूर रखें। यदि आप उसको खुले में रखेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स को और उसका सेवन करेंगे तो उससे उल्टी दस्त का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, जो बच्चे होते हैं वो ना काफी जिद करते हैं कि हमको बाहर का खाना है, बाहर का खाना उनको काफी पसंद होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या इस पर कहते हैं? कि दो तरह के फूड आइटम्स होते हैं, जैसे एक तो वो कि जो सड़कों पर खुले में रखे होते हैं, जो कि रेहड़ी पटरी पे उपलब्ध होते हैं, जहां पर कि लोग फलों को काट के रख देते हैं, और काफी सारे जो व्यंजन हैं या खाने के जो फूड आइटम्स हैं उसमें मक्खियां बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं, और वो खुले में धूल मिट्टी की वजह से काफी सारे संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो खुले में यदि कोई भी वस्तु है खाने की, उसको अवॉइड करें, नंबर वन। नंबर टू, यदि आप बाजार में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरी जगह पे बैठ के खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ जरूर साफ करें, साफ पानी से हाथ को साफ करें, हैंड हाइजीन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमने देखा है कि काफी सारा जो बच्चों में काफी रहता है कि वो बाहर की जो चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उनको ये सब मना करें कि बाहर की चीजें अवॉइड की जाए इस तरह के टेम्परेचर में। अब सर आते हैं स्किन पे, जो महिलाएं होती हैं अपनी स्किन को लेकर काफी ज्यादा मतलब वो रहती हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो जाए, हमारी स्किन बर्न ना हो जाए, तो स्किन को बचाने के लिए हम क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं? सबसे पहली बात मेरा आपसे यही सवाल है। और जो सन की जो रेडिएशंस होती है वो स्किन पर सीधा पड़ती है, तो हम कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करें, आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। स्किन की प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक्सट्रीम जब बहुत हीट होती है, 45 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से काफी सारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और हम जो घर में उपलब्ध पाउडर होता है, पाउडर का प्रयोग करें, नंबर एक। दूसरा, जब भी हम घर से बाहर जाएं तो छाता का या अम्ब्रेला का प्रयोग करें। तीसरा, हम सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हैं। सनस्क्रीन लोशन यदि आप चेहरे पे या उस हिस्से में लगाएं जहां पे कपड़े नहीं है, तो उससे काफी फायदा होता है। तीसरा ये कि यदि हम ऑयल भी लगा लें, यदि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम सिंपल कोई भी ऑयल का यूज करें तो उससे भी स्किन ठीक रहता है। और कोई भी डस्टिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं, पाउडर इज वेरी यूजफुल। एंटी फंगल पाउडर का भी हम यूज कर सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा टाइट ना पहने, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। सर, किस तरह के कपड़े हमको पहनने चाहिए गर्मी में, मेरा आखिरी सवाल है। ज्यादातर सूती कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े नुकसान करते हैं। कॉटन के कपड़े पहनिए, लूज कपड़े पहनिए, और ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें कि आसानी से हवा का या आपका जो एयर है उसका रोटेशन हो सके, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंजाब केसरी को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये थे डॉक्टर सुरेश सर, जिन्होंने हमको बताया कि क्या क्या हमको एहतियात बरतने चाहिए इस गर्मी के मौसम में। कैमरामैन कुणाल शर्मा के साथ मैं तनवीर कौर, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।